आलू का परोठा टेस्ट करो तो कैसा है बताओ। आज सुहाना टेस्ट करके बताएगी। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं और आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी हूँ, कैमरा पकड़े हैं वो है सुहाना के पापा, और स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब और स्वागत आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, अभी मिस्त्री लोग आ गए हैं, तो इन लोगों के लिए चाय है, और हमारे घर पे सुबह सुबह एक गेस्ट आए थे ना, तो उनके लिए चाय बनाए थे, तो सुहाना के पापा उस वक्त पी लिए थे चाय, तो अभी सुहाना के पापा लेके जाएंगे चाय। लीजिए लीजिए ना, अंकल जी आए हैं आज, ऊपर चाय। चलो आप सभी को मेरे तरफ से भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम अच्छे हैं और आप सभी के लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं कि आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और मज़े में रहें। देखिए साड़िया को जो है कसाई करना पड़ता है ना, तो ये सब कस रहे थे और आज से अब जो है उसको सीधा कर दिए हैं। बालू आप कल देखे होंगे यहाँ पे जमा ही किए थे, आज ये फर्मा लगाएंगे और फिर मसाला ढालने वाला काम शुरू हो जाएगा। फिर हमारा पिलर बन जाएगा, पिलर बन जाने के बाद रहेगा ईटा जोड़ने की काम, ईट जोड़ने की। तो शायद ईट तो नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि पैसा ख़त्म होता जा रहा है। इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, देखिए सभी अभी चाय पी रहे हैं। चाय में अदरक का स्वाद है। हाँ ये नया बंदा है ना। हाँ कल कल नहीं आता, अभी वो घर को सामने को बंदा है, नहीं पहचानते हैं। राजकुमार को है ना। हाँ उसी का छोड़ा है ना। अच्छा उसी का लड़का है, ये मेरे पड़ोस का ही लड़का है, लेकिन मैं गांव छोड़े हुए कितना हो गया, मुझे 6-7 साल हो गया गांव में नहीं रहता हूँ ना, इसलिए पहचानता भी नहीं। कई दिन को देखे भी होंगे तो बच्चे होंगे, इतना बड़ा अभी बार कितना बड़ा हो गया कि काम भी करने लगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिलर अब लग रहा है। तो सुहाना स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। सुहाना दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलिए आप आज, तो बोलिए गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्तों दोस्तों सुहाना को आशीर्वाद दीजिए ताकि अच्छे से पढ़े लिखे, अपना नाम रोशन करें। जाओ स्कूल चली जाओ। रुको रुको हम आते हैं। तो सुहाना के स्कूल छोड़ दिए हैं और आज देखिए सुहाना के स्कूल में कितने बड़ी लाइन लगी है बच्चों लोगों की। अभी चलते हैं घर। आज थोड़ा सा पता नहीं कल 10 बजे रात से मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा है, चक्कर सा आ रहा है पता नहीं क्यों। तो फाइनली देखिए दोस्तों एक पिलर जो है ढलाई हो चुका है, ये वाला हो चुका है कंप्लीट, और दूसरा वाला में अभी चढ़े हुए हैं काम करने के लिए। देखिए आपको दिखा रहे हैं अच्छे से पूरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि चलो एक काम तो फिनिश हो रहा है। यहाँ पे देखिए मसाला बन रहा है, यहाँ पे उठाते हैं ले जाते हैं उसके अंदर डालते हैं, कैसे डालते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसने इस तरह से मसाला उठाया, इस तरह से उसको पकड़ाया, पकड़ो हाँ आसमान में चला गया, ढार दो हाँ, फिर नई चीज़ इसमें भर गया। और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं तो इन लोगों को भूख भी लग चुका है, देखते हैं बीमू जी खाना बनाई है कि नहीं। बीमू 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 कहाँ हो, खाना बना कि नहीं, खाना बन गया हाँ, सब पूछ रहे आ जाओ। हाँ हाँ चावल हो गया है ओके। और देखिए आज काफी मेरे घर मेहमान ही आ रही है, सुबह भी आया था और ये मेरा दोस्त रुपेश यादव भी आ गया। रुपेश यादव की यादव यादव बोला है, यादव की यादव यादव बोला कीजिए कि अहीर कि अहीर भी बोला है तो चलेगा। तो देखे ऊपर घर बन रहा है, देखा देखा। तो अतिथिगण जितने भी लोग आए थे सब चले गए हैं है ना, अभी जो काम के उनके लिए खाना बना लिया। और आज हमारे यहाँ बना है दाल चावल और ये सलाद है, रोटी और एक सब्जी है, तो चलिए ऊपर सबको खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी को खाना खिला रही है भीमू जी परस परस के। परस के खिला रहा था, अभी वीडियो टाइमिंग हो गई ना पोस्ट करने की, तो मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तब तक मुझे यहीं पे थी तो मैंने कहा सबको खिला दो, अब मैं अभी जस्ट का जस्ट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो फाइनल दोस्तों हमारे जो है आज का काम इतना हो पाया है कि 4 पिलर बन गए हैं, 1 2 3 4 और
कुछ बीम है जो नीचे का हो गया है, बाकी आप सबको दिखाएंगे कल। अभी चलते हैं मार्केट, क्योंकि सब्जी वगैरह मर मसाला सब खरीदना होता है, तो चलिए चलते हैं। और कुछ काम जो है यहाँ पे हुए, देखिए दोस्तों बीम हो गया है और ये रड खड़ा हो गया है, अब कल इसमें काम शुरू हो जाएगा। सबसे जो झंझटीला, क्या बोलते हैं उसको, झंझट वाला काम है, झंझटीला काम यही था अभी तक है ही। जब तक इसमें ये नहीं हो जाएगा तब तक हमको चैन नहीं मिलने वाला है, जो कि इसमें से कल शुरू होगा। तो चलिए कुछ रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे, खाने का मन है ना, तो मार्केट चलते हैं। मौसम में खाते हैं सब लोग, हम भी खाएंगे। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी हम मार्केट से आ गए हैं और मार्केट से क्या क्या लाए हैं दिखाते हैं आपको। देखिए गोभी, और ये था ही क्या, प्याज, हाँ ये सब था ही, वो लाए मसाला, लाए दाल, लाए सब खत्म हो गया, सब था वो सब लाए, सब कुछ सेंट लिए। अभी आप क्या कर रही हो बताओ? अभी दोस्तों हम आलू पराठा बनाने जा रहे हैं, तो दिन का जो हमारा सब्जी था ना दोपहर का वो रह गया था, तो उसमें से हम आलू को ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगा कि ज्यादा है ऐसे हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा तो थोड़ा आलू उबालना भी पड़ेगा। दो आलू इसमें है ही, दो हम और उबाल लेते हैं, दो या तीन छोटा छोटा उबाल लेते हैं। तो अभी अच्छे से आलू को धो करके इस कुकर में रखा जा रहा है बॉयल करने के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे आलू परोठा। चलिए इसको रख देते हैं, ले लिए हैं। जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक बीमो जी इतना धनिया काट लिए हैं और इसको आलू में देंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे कुछ मसाला सब तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या क्या डालेंगे अभी दिखाते हैं, सारे कुछ तैयार करके। अच्छा तो दोस्तों हमें आज इंतजार करना होगा, बीमो जी ठान ली है एक ही बार सारा चीज करके हमें एक्सप्लेन करके बताएगी ना। चलो जो आपकी इच्छा। तो दोस्तों देखिए आटा हम ले लिए दो कप जितना, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि आलू में भी उधर पड़ रहा है इसलिए, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल एक छोटी चम्मच के बराबर, थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे, नरम गूंदेंगे ना तो नहीं फटेगा वो पराठा हमारा। देखिए दोस्तों आटा हमने एकदम सॉफ्ट से गूंद लिए हैं, अभी इसको ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हम क्या करेंगे चटनी बनाएंगे चोखा टमाटर का, उसको बना लेते हैं, क्योंकि पराठा जब बनेगा तो गरम गरम पराठा ही खाने में अच्छा लगता है, इसलिए चोखा के लिए हमें टमाटर इस तरह से पका रहे हैं। और इस साइड में तावा डाल दिए, तावा में दो लाल मिर्च, लाल मिर्च से टेस्ट अच्छा देता है दोस्तों, वैसे लाल मिर्च अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, और एक हरा मिर्च, और ये इतना धनिया सबको मोला लेंगे, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, इधर ये पक जाएगा जब तक हम यहाँ पे चटनी में जो आलू देंगे, नहीं सॉरी पराठा में जो आलू देंगे उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हमने आलू को अच्छे से मिला लिए हैं आलू को, और अभी इसमें डालने के बारे में मसाला, मसाला में देखिए हमने 3-4 बड़ा चम्मच धनिया जो होता है वो पत्ता वाला उसको काट लिए हैं, और दो बड़ा मतलब बड़ा बड़ा मिर्च काटे हैं एकदम मशीन एकदम पतला पतला कर लिए हैं, और ये है लहसुन 8-9 उसको अच्छे से थूर लिए हैं, और ये है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मिर्ची मसाला, आधा चम्मच से भी कम धनिया मसाला, और थोड़ा सा एक चिमटी ऐसे करके ले लिए हैं काला नमक, और अपने स्वाद के हिसाब से नमक ले लेंगे, और सारे कुछ इसमें डाल के मिला लेंगे। देखने तो काफी टेस्टी लग रहा है अभी से टेस्ट लगने लगा है। और कोई भी जब टेस्टी चीज होता है तो मेरे जीभ से पानी आने लगता है पहले अभी देखिए बोलने से ही आपको पता चल जाएगा, अब तो बस इंतजार है कि कब टेस्ट करने को मिलेगा। और अभी चोखा में जो बनाएंगे उसको ये देखिए यहाँ पे पक गया है, यहाँ पे टमाटर भी पक गया, इसको अब बंद कर देंगे, थोड़ा सा और रह गया है, इसको हम सिलौटा पर पीसेंगे, आप लोग के पास अगर मिक्सर हो तो मिक्सर भी पीसिए ना, हमारे पास तो मिक्सर नहीं है इसलिए हम सिलौटा पर पीसने जाते हैं। हाँ दूध भात खा लिए, खीर खाए, खीर क्या खाए, खीर बना देते गुड़ वाले खीर, ये बहन दो सुहाना अभी टॉयलेट से आई है तो बोल रही है बंद, अरे बाप रे छुच्छ कल के आई है कितना प्यार से बोलती है, आपको क्या बोलते हैं यूट्यूब फैमिली पता है कि आपके लिए वीडियो ओपन करके देखते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, तो आप बोला करो वीडियो में, अच्छे से बोला करो, अच्छे से रहा करो, हाँ आपको दोस्त लोग बहुत पसंद करते हैं। बांधो कौन बांधो, मम्मी बांधो कि पापा बांधो, मामू, तो जाओ मामू के पास जाओ मामू से बंधवाएगी पापा से शर्म आती है सुहाना को अभी से, इतना ही
इतना ही छोटी उम्र है, समझती है? 4 साल होने वाली है, छोटी उम्र है। 4 साल में सुहाना बहुत ज्यादा समझने लगी। तो हमारी चोखा बन के हो गई है तैयार। तो फिर से अब किचन में आ गए हैं, अब हमारे परोठा बनने जा रही है। तो परोठा एक तलते हैं, और आप लोगों के जो पिछले वीडियो पर कमेंट आया है सुहाना को लेकर, सुहाना के कपड़ों को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले चलिए आप परोठा किस तरह से बनाते हैं आपको दिखाते हैं, कैसे देते हैं दिखाइए। इसको 10 मिनट हम छोड़ दिए थे, अभी इसको हम बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोइया कर लेंगे। जोर से बोलिए, सुनेगा नहीं सुनेगा। देखिए इस तरह से लोइया कर लिए, अब इसमें भरेंगे ये हमारा चोखा। जैसे लिट्टी में भरे थे वैसे पूरी में जैसे भरते हैं, और फिर ऐसे ऐसे गोल गोल करके ये जो ऊपर का ये रहेगा ये इसको निकाल देंगे ऐसे, तो ये थोड़ा अच्छा बनेगा ऐसे। देखिए मिल जाएगा, देखिए मिल गया। अब इसको बेल देंगे थोड़ा सा आटा लगा के, ऐसे हाथ से भी बना लेते हैं, बेल देंगे तो जल्दी बन जाएगा ना। हमको क्या पता, हम तो पहली बार देख रहे हैं बनते हुए। बस पहले खाए हैं। खाए तो हैं, जब ये दिखने लगता है तो उसको छोड़ देना है। ये गोल नहीं बना हमसे तो क्या हुआ, टेस्ट तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी चले। तो इसको तावा को हम डाल दिए थे, गर्म होने देते हैं, फिर इसमें ये टूट ना जाए। नहीं टूटेगा। घी कहाँ डाले? अभी डाल देंगे, ऊपर से भी चलेगा। अच्छा, पहले सेक लोगी ना? हाँ। देखिए दोस्तों ऐसे बनाना है, एक तरफ से सेक लगाना है फिर घी लगाना है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है, एक साइड से इसको पलटा देते हैं और इसमें डालेंगे अब घी। एक साइड से पलटा के अब घी? हाँ, इसमें ना घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते, जिसको घी नहीं पसंद, जैसे कि आपको घी नहीं पसंद ऐसे लोगों के लिए तेल है। लेकिन इनको मैं घी खिलाती हूँ दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि बोलते हैं जो लोग कुछ चीज भी खाने के बाद भी अगर नहीं मोटाए ना तो घी खिलाओ उनको पक्का मोटाएंगे, इसलिए मैं उनको इनको घी खिला रही हूँ। कब से खिला रही हूँ? हमको पता ही नहीं चलता। आपको चावल में भी डाल देती हूँ दाल में। तो देखिए दोस्तों ये बेल लिए है हम, अभी इसको डालते हैं तावे में। चल चला जा, तावे में चला गया। देखिए सुहाना पापा को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये घी वाले नहीं खाएंगे, तो अब हम तेल डाल रहे हैं, तेल डाल के अब हम बना रहे हैं। और ये वाला आपको हम टेस्ट करके बताएंगे। दोस्तों कमेंट वाली बात पे आते हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सुहाना को आप कपड़े नहीं खरीद दिए हो, एक ही कपड़े में स्कूल जाती है, एक ही कपड़े में रूम में रहती है, घर में रहती है। तो देखिए दोस्तों जितना हमसे हो पाता है उतना तो हम करते ही हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि सुहाना के पास कपड़े नहीं है, इस बार ऐसा हो गया है कि मतलब लास्ट ईयर जो हम कपड़े लिए थे ना वो कपड़ा छोटा पड़ रहा है सुहाना को, तो ये हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, सुहाना को मतलब पहले वाले कपड़े बहुत ज्यादा है, और आपको पता है हमारे घर में कपड़ा रखने वाले भी नहीं है, तो इसलिए कपड़ा ले लेते हैं तो घर में मतलब वो नहीं होता है। हमसे कितना हो पा रहा है, पैसे की भी तो आप लोग देख ही रहे, हमारे पास उतना वो नहीं है कि हम हाथ फैला के मतलब जो चाहे वो खरीद ले। इनको देखिए 4-5 साल से ये जैकेट पहन रहे, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इनके पास। मेरे लिए भी एक कमेंट देखा था मैंने कि विकास भाई आप जैकेट दूसरा खरीद लीजिए, और ये भी पहनिए वो भी पहनिए, एक ही जैकेट में आप अनहाइजेनिक लेते, कुछ ऐसा कमेंट किए थे। तो देखिए दोस्तों क्या बताए, मतलब सॉरी कि आपको मैं सिर्फ एक ही जैकेट पहन के दिखा पाता हूँ, लेकिन हमारे पास जितना का ही है क्षमता उतना ही ना पहनेंगे दोस्तों। मन तो मेरा भी करता है कि 4-5 किस्म का जैकेट रखे, हर रोज हर नए के तरीके से कपड़े पहने, सूट पहने, बूट पहने, जैकेट, हर कोई लेदर वाला जैकेट हो, कोई ये वाला हो, कोई ये वाला हो, लेकिन अभी नहीं है ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा शर्म भी आता है हमें ये चीज़ कहने में, लेकिन जितना कर पाते हैं हम कर रहे हैं दोस्तों। बाकी लग्जरी लाइफ किसको जीने का मन नहीं होता है, तो प्लीज हमारे दुख को समझे, तकलीफ को समझे। बाकी हम हर हाल में ठीक है, खुश है दोस्तों। ठंड तो कट रहा है ना, ठंड में तो ठंड नहीं लग रहा, हम बस ये देखते हैं जरा फैंसी जब होंगी तो हम करेंगे दोस्तों, हमारे पास भी पैसे होंगे तो नहीं करेंगे वाली बात नहीं है, हम भी करेंगे। तो देखिए अब लास्ट 2 परोठा बाकी रह गए हैं, इसको करने के बाद मिलते हैं। इतना मसाला जो है कि बाकी बच गया है ना, इसको हम चॉप बना लेते हैं, इसको आलू चॉप बना लेते हैं। और आलू चॉप बनाने के लिए हम ले लिए हैं
थोड़ा सा चावल का आटा। इसमें क्या डालना है आप डाल दीजिए फटाक से। इसमें मसाला डालना है। डालिए तो फटाफट से। चॉप का मसाला बना लिए है घोल। अभी चॉप बनाते हैं। हाँ, इसमें हम दो मिर्ची भी डालेंगे। मैं यहाँ पे हाथ धो लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आलू चॉप बना लिए हैं। दोस्तों फाइनली हमारी रेडी हो चुकी है आलू का परोठा। और देखिए आलू का परोठा क्या है, एक हरी मिर्च की पकौड़ा और आलू चॉप और ये बैंगन की सब्जी और एक और चीज़ है, ये है धनिया का चटनी। इतनी सारी चीज़ बन चुके हैं। सुहाना टेस्ट करके बता, बता कैसा है, टेस्ट करो तो कैसा है बताओ। आज सुहाना टेस्ट करके बताएगी। हाँ खाओ। अच्छा है। बीमू खा के बताओ कैसा है। खा के बताओ कैसा है, थोड़ा सा टेस्ट करके बताओ। आलू चॉप बताओ। आलू चॉप मैंने बनाया दोस्तों, देखिए आलू चॉप बनाया है। ज्यादा खाओ, ऊपर से ही खाया क्या बता, घूम बता रही है। अच्छा है, बहुत टेस्टी। दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारे ये, और जो हमारे प्यारे मित्र हैं सभी YouTube फैमिली आइए साथ में खाते हैं। हाथ दर्द करने लगा, साथ में खाते हैं दोस्तों। और कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों, खुश रहे, खुशा बाटे, बाय बाय।